लगभग 52 दिन बाद फिर से एक बार शहर पूरी तरह से गुलजार दिखा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सभी दुकानों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए दुकान संचालन की अनुमति प्रदान की गई है, जिस कारण सुबह से ही शहर में लोग अपने घरों से निकलकर मार्केटिंग करते दिखे। साथ ही साथ दुकानदारों के बीच चेहरे भी खिले नजर आए। लगभग 52 दिन बाद शहर पूरी तरह से गुलजार दिखा। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक सभी दुकानों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर दुकान संचालन की अनुमति दी गई है, जिस कारण आज सुबह से ही शहर में लोग अपने घरों से निकलकर मार्केटिंग करते दिखे। साथ ही साथ दुकानदारों के बीच चेहरे भी खिले नजर आए, क्योंकि 52 दिन के लॉकडाउन में कहीं न कहीं उन्हें भी भारी नुकसान सहना पड़ा है। पर आज फिर से मार्केट खुल जाने से सभी व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने जो भी निर्णय लिया था वह सराहनीय है, और जब पॉजिटिव केस के आंकड़ों में भारी मात्रा में गिरावट आई है तो जिला प्रशासन ने दुकानदारों को व्यवसाय करने के लिए जो समय सीमा दी है वह भी बिल्कुल वाजिब है। वहीं मार्केट खुलने पर सड़कों में काफी चहल पहल भीड़ भाड़ हो गई है, जिसके मद्देनजर सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक के जवान भी मुस्तैदी से अपने कार्य को कर रहे हैं, और ट्रैफिक कंट्रोल के साथ साथ लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मार्केट खुल जाने से उनकी भी ड्यूटी काफी हैवी हो गई है। वहीं रायगढ़ का संजय कॉम्प्लेक्स सब्जी मार्केट, यहां की सभी दुकानें खुल तो गई हैं, पर न ही दुकानदार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही दुकान में आने वाले ग्राहक, जो कि काफी गंभीर विषय है। वहीं जिला प्रशासन को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई का शिकंजा कसना चाहिए, जिससे कि दुकानदार खुद भी कोविड गाइडलाइन का पालन करे और ग्राहकों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाए। रायगढ़ खुल तो रहा है, पर पब्लिक को उतना ही सेफ्टी से रहना पड़ेगा और हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम आगे इसको निरंतर चालू रख पाएंगे, नहीं तो फिर प्रशासन को बंद करना ही पड़ेगा। समय सीमा जो दी गई है भैया, क्या लगता है, पर्याप्त है? बहुत सही समय सीमा है, आदमी अपने दोस्ती यारी परिवार सबको समय दे पाएगा इसी बहाने। सब लोग लेकिन भैया मान नहीं रहे, लापरवाही दिख रही है बकायदा, आप भी देख रहे हैं। तो अब लोगों को समझना चाहिए, आगे तो अपने को वैक्सीनेशन करवाएं अपना, फिर उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा और हम इसको कंटिन्यू रख पाएंगे। इस ओपन जो हुआ है मार्केट, कंटिन्यू ओपन रख पाएंगे इसको। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, प्रशासन से बहुत बहुत धन्यवाद है कि 2 महीने बाद मार्केट खुला है। क्या लगता है ये समय सीमा जो दी गई है सुबह 8 से 5 बजे तक पर्याप्त है? समय सीमा पर्याप्त है, पर्याप्त बहुत समय है, 8 बजे से 5 बजे तक टाइम है, इसमें घर के लिए भी समय निकल जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा और काफ़ी रिकवरी करनी पड़ेगी, बहुत पीछे हो गई है बजट, क्या लगता है रिकवरी? क्या बोले, बहुत पीछे हो गया है मार्केट काफ़ी, बहुत है। दो महीना में जो मार्केट का पोजीशन बहुत ख़राब था, इसीलिए जितने भी घर में बैठ बैठ के सब परेशान हो रहे थे, और 2 महीना बाद अभी खुला है तो बहुत खुशी हो रही है सबको। कुछ दिन लगेगा रिकवरी आने में? कुछ दिन लगेगा रिकवरी आने में। पहले लॉकडाउन था, सुना सुना रहता था रोड, अब अचानक अनलॉक हो गया है तो यथावत जैसे पहले दिनचर्या था वैसे ही अब चालू हो गया, पब्लिकों का आना जाना भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गया है, और समझाइश हम लोग दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें करके। हाँ, हर चौक में हमारी ड्यूटी लगी हुई है, अधिक से अधिक संख्या हम लोग समझाइश दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हमेशा मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें करके हम लोग हर पॉइंट में बताते जा रहे हैं। आज फिर से शहर गुलजार दिखा, फिर हो गया, फिर पहले जैसे था वैसे ही आज के डेट में भी हो चुका है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।